जी प्राजन और अरुणिता कांचीलाल एक दूसरे के लिए क्या थे और क्या हो गए? क्या आपको इनके बीच कोई बदलाव या फर्क नजर आता है? अगर आप इनके पहले वाले दिनों को भूल गए तो इन क्लोज फोटो से हम आपको एक बार फिर इस खूबसूरत जोड़ी की नजदीकियां दिखाते हैं। एक दूसरे के लिए क्या थे और अब क्या हो गए, इन फोटोज को देखकर आप भी बताइए आखिर इन दोनों के बीच कुछ तो खास बात है जो इन दोनों को एक दूसरे के लिए इतना खास बनाती है। अरुदीप फैन क्लब से फोटो शेयर की गई है जो इंडियन आइडल के मंच की है। उस वक्त पवनदीप अरुणिता के साथ साथ शायली, मोहम्मद दानिश, निहाल तारो, आशीष कुलकर्णी, ये सब के सब इकट्ठे हुआ करते थे। इनका एक ग्रुप हुआ करता था। ये सब के सब पवनदीप अरुणिता को अच्छी तरह से जानते थे। फोटोज में पवनदीप अरुणिता एक दूसरे से बिल्कुल चिपके खड़े दिखाई दे रहे हैं इनके चारों तरफ बाकी कंटेस्टेंट, और इस बीच पवनदीप अरुणिता का चेहरा देखने लायक होता है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब जरूर खड़े हैं लेकिन चेहरे पर हिचक और डर साफ नजर आ रहा है। आज ये हिचक और डर क्या कायम है कि इनकी नजदीकियों से ये हिचक और डर भी गायब हो चुका है। वैसे पहले पवनदीप अरुणिता हर इवेंट में एक साथ फोटो जरूर शेयर करते थे। कई फोटोज में पवनदीप अरुणिता को एक साथ देखा गया। अब दोनों एक साथ तो नहीं दिखते लेकिन दोनों एक दूसरे से हिचकते भी नहीं है और डरते भी नहीं है। वैसे काफी टाइम से पवनदीप अरुणिता ने कोई म्यूजिक वीडियो भी नहीं शूट किया जिसमें देखा जाए कि दोनों एक दूसरे से कितने ज्यादा क्लोज हैं, कितने ज्यादा एक दूसरे के लिए कम्फर्ट फील करते हैं। आप इस मामले में क्या कहेंगे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के सोशल मीडिया के जमाने में शादियों में ब्राइडल की एंट्री बहुत खास होने लगी है। कभी हाथ में गन लेकर ब्राइडल एंट्री होती है तो कभी डांस करते हुए दुल्हन एंट्री करती है और कभी कार के ऊपर नाचते हुए, कभी पालकी पर सवार होकर। लेकिन आज आपको इन सबसे जरा हट के ब्राइडल की एंट्री दिखाते हैं जिसे अब तक ना आपने देखा होगा और ना ही सुना होगा। और ये अजीब गजीब ब्राइडल एंट्री करने वाली कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक्ट्रेस सोनाली सहगल जिन्होंने आज गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। शादी की फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही आग की तरह फैलने लगी है। इस बीच सोनाली सहगल की एंट्री ने सबके होश उड़ा दिए। सोनाली सहगल शादी के जोड़े में सजी धजी और पेट डॉग के साथ मैरिज हॉल में एंट्री करती है तो हर किसी के होश उड़ जाते हैं। उनका पालतू कुत्ता उनकी ड्रेस को खराब कर रहा है लेकिन एक्ट्रेस अपने पेट डॉग के साथ हॉल में एंट्री करती है। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो को देखिए, आपके मन में विचार जरूर आ रहा होगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। यकीनन हंसी तो जरूर आ रही होगी। सोच रहे होंगे कि भाई कुत्ते के साथ एंट्री कौन करता है, लेकिन यहाँ सोनाली सहगल करेंगी। प्यार का पंचनामा एक्ट्रेस सोनाली सहगल बुधवार को यानी आज शादी के बंधन में बन चुकी है। एक्ट्रेस ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड आशीष एल सजनानी के साथ मुंबई के गुरुद्वारा में शादी की है। अब वेडिंग से एक्ट्रेस का ब्राइडल लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सोनाली सहगल ने अपने इस खास दिन पर सिंपल ब्राइडल लुक कैरी किया है, फिर भी बला की खूबसूरत लग रही हैं। शादी हॉल से एक्ट्रेस की वीडियोस और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। सोनाली सहगल ने शादी के लिए पिंक कलर की साड़ी चुनी जिसे उन्होंने व्हाइट कलर के सुकेंस ब्लाउज के साथ पेयर अप किया है। वहीं ज्वेलरी की बात करें तो सोनाली ने खूबसूरत हीरो से जड़ा हुआ हार पहना हुआ है। इसके साथ उन्होंने मैचिंग चूड़ियां, मांग टीका, कलीरे और झुमके कैरी किए हुए हैं। शादी पर सोनाली सहगल के ब्राइडल एंट्री ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा। एक्ट्रेस ने गुरुद्वारा में एंट्री अपने पालतू कुत्ते के साथ की जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही तमाम बातें उड़ने लगी हैं। सोनाली सहगल की शादी की थीम व्हाइट रखी गई थी। वेडिंग पर ज्यादातर गेस्ट भी सफेद आउटफिट्स में नजर आए। एक्ट्रेस की शादी में उनके प्यार का पंचनामा को स्टार कार्तिक आर्यन भी पहुंचे थे। इनके अलावा मंदिरा वेदी, शमा सिकंदर, करण ग्रोवर भी पहुंचे थे। शमा सिकंदर ने अपनी इंस्टा स्टोरी में वेडिंग की कई सारी फोटोज और वीडियो शेयर किए हैं। वेडिंग में एक्ट्रेस व्हाइट कलर की साड़ी और पर्ल ज्वेलरी पहनकर पहुंची। इनके साथ ही उन्होंने सिर पर दुपट्टा डाला हुआ था। कार्तिक आर्यन के लुक की बात करें तो एक्ट्रेस बेहद सिंपल नजर आई। शादी में कार्तिक ने ब्लू जीन्स के साथ व्हाइट कलर का कुर्ता कैरी किया। सोशल मीडिया पर कार्तिक का ये अंदाज खूब पसंद किया जा रहा है। आप एक्ट्रेस के इस खास एंट्री पर क्या कहेंगे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं। सिंगर मोहम्मद दानिश की पत्नी की झलक देखने के लिए लोग तरस रहे हैं। आखिरकार मोहम्मद दानिश की पत्नी है इतनी खूबसूरत, कुदरत का वो नयाब तोहफा कही जा रही है जिन्हें लोग बार बार देखना चाह रहे हैं। लेकिन दानिश ने शादी के 1.5 महीने बाद तक कोई ज्यादा फोटो नहीं शेयर किए। शादी के बाद उन्होंने फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी पर अपनी पत्नी के संग एक फोटो शेयर की थी और अब तीसरी फोटो का इंतजार किया जा रहा है। आखिरकार दानिश अपनी खूबसूरत पत्नी का तीसरी बार दीदार कब कराएंगे, ये
जानने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। अब दानिश की पत्नी सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं है, ऐसे में उनके फैंस बेताब हैं। उनकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी जानना चाह रहे हैं कि आखिर मोहम्मद दानिश इतनी खूबसूरत बला को कहां से लेकर आए हैं। कहीं से कुछ भी पता नहीं लग रहा है। वहीं आपको बता दें, दानिश ने जब पहली बार अपनी पत्नी के बारे में मुंह खोला था तो हर कोई शॉक रह गया था। मोहम्मद दानिश बड़े छुपा रुस्तम निकले। अभी तक सोशल मीडिया पर अपनी वाइफ की कोई फोटो शेयर न होने की वजह से उनके फैंस लगातार पूछ रहे हैं कि उन्होंने किससे शादी की है। सिंगर ने सबकी बातें सुनकर खुलासा किया था। मोहम्मद दानिश ने गुंडे दबंग 2, नीरजा, लाल सिंह चड्ढा, एजेंट विनोद और हाउसफुल 4 के गीत गाने वाले सिंगर शाविद की बहन से शादी की है, मोहम्मद दानिश ने ऐसा बताया था। मोहम्मद दानिश के निकाह में म्यूजिक इंडस्ट्री के तमाम बड़े नाम शामिल हुए, जिसमें सोनू निगम, मिथुन और पलक मुच्छर, राखी सावंत, शायली कामले, निहाल जावेद जैसे तमाम सिंगर्स भी मौजूद थे। मोहम्मद दानिश ने बताया कि उनकी वाइफ का नाम फरीन फरीदी है। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी मुलाकात कैसे हुई। सिंगर ने बताया कि उनकी शादी अरेंज मैरिज हुई, जिसे सुनकर लोगों को झटका लग गया। ऐसे में परिवार वालों ने भी उनका निकाह तय कर दिया था। वो पहली बार अपने परिवार के साथ ही उनसे मिलने पहुंचे थे। मोहम्मद दानिश ने बताया कि इंडियन आइडल 12 से पहले ही उनका निकाह तय कर दिया गया था। पत्नी के बारे में उन्होंने बताया कि वो बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल है, रीति रिवाजों को बहुत मानती है। मोहम्मद दानिश ने बताया कि मुंबई में उनके पास 5 फ्लैट है, लेकिन फरीन और दानिश दोनों उनके पेरेंट्स के साथ ही रहेंगे। अब मोहम्मद दानिश ने अभी तक अपनी पत्नी के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दी है और ना ही उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में बताया है। आखिर मोहम्मद दानिश अपनी पत्नी की इन सारी जानकारियों को क्यों छुपा कर रख रहे हैं? क्या वो वाकई लोगों की नजरों से अपनी पत्नी को छुपाना चाह रहे हैं? और तीसरी बार वो कब अपनी पत्नी का दीदार कराएं? क्या सेकेंड मंथ एनिवर्सरी पर मोहम्मद दानिश की पत्नी का नया अंदाज देखने को मिल पाएगा?